सत श्रीकाल दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा अपना गुरविंदर सिंह। तुसी देख रहे हो बाजवा एंड संधू व्लॉग्स। अज दे व्लॉग्स दे विच गल इनकम सर्टिफिकेट नू लैके करनी है। बहुत सारे बच्चों के ते बहुत सारे बच्चों के माता पिता के सवाल होंदे ने कि सर असी तां एग्रीकल्चर करते हैं, साडा ते फार्मिंग नाल रिलेशन है, असी किस तरीके दे नाल अपनी इनकम शो करिए। बहुत वड्डी प्रॉब्लम होंदी है जदों एजेंट कह दिंदा है कि इनकम प्रूफ चाहिए है ते वो भी सर्टिफाइड। तो सर्टिफाइड इनकम प्रूफ की होना चाहिए है ताकि तुसी अपनी इनकम दा प्रूफ जिहड़ा है वह दे सको। हुण इनकम सर्टिफिकेट वास्ते एलिजिबल कौन हुंदा है? दरअसल इनकम सर्टिफिकेट दो तरह नाल बनाया जा सकता है। एक इनकम सर्टिफिकेट वो हुंदा है जदों तुहाडी खुद की लैंड हुंदी है, यानी तुहाडी जमीन हुंदी है। एक इनकम सर्टिफिकेट वो हुंदा है जदों तुसी ठेके ते वाही करते हो, यानी ठेके ते जमीन वाहुंदे हो, उदा इनकम प्रूफ चाहिए तुहानू। हुण इन्हां दोवां कंडीशनस दे विच इनकम प्रूफ तुहानू कित्थों मिलेगा, किवें मिलेगा ते की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होणगे, उह सारे अज दे वीडियो दे विच तुहानू दस्सांगे। जेकर तुसी पहली बार साडा चैनल देख रहे हो, पहली बार साडा व्लॉग देख रहे हो, तो साडे चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो, क्योंकि असी प्रमोशनल कंटेंट नहीं, असी अथेंटिक ते सही जानकारी तुहाडे तक पहुँचाने हैं, तां जो तुहाडा वीज़ा दी एक्यूरेसी रेट जिहड़ा है वह चंगा हो सके। हुण शुरू करते हैं अज दी वीडियो। सब तो पहला इनकम सर्टिफिकेट की हुंदा है? तहसीलदार वल्लों जिहड़ा सर्टिफाइड होवे। देखो, इनकम सर्टिफिकेट एक वो डॉक्यूमेंट है जो तुहाडी इनकम नू शो करता है। एम्बैसी विच जो तुहाडी फाइल जांदी है ते तुहाडी इनकम दा सोर्स की है, सोर्स ऑफ इनकम की है तुहाडा, वो प्रूफ दसदा है। वो प्रूफ दसदा है कि तुहाडे माता पिता या तुसी की करदे हो, क्योंकि जेकर तुसी विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो तुसी जाहिर जी गल है कि अपने वास्ते बनाओगे। जेकर तुसी अपने बच्चे वास्ते स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो भी तुसी बनाओगे तो स्टूडेंट वास्ते लगाया जाएगा। हुण इनकम दा सोर्स जिहड़ा है वह किस तरीके नाल होना चाहिए है, या फिर उन्हूं किस तरीके नाल सर्टिफाइड किया जाए, उन्हूं तहसीलदार जिहड़ा है वह तुहाडा सर्टिफाइड करता है कि इस बंदे दी इन्नी इनकम है, इस शख्स वल्लों इन्नी इनकम हर महीने हर साल जनरेट की जाती है, एयरबेस के उत्ते बनता है हर साल, ये रिन्यू हुंदा रहिंदा है। हुण इनकम सर्टिफिकेट बारे तुहानू सबनू पता लग गया होगा, तो इनकम सर्टिफिकेट एक वो प्रूफ है जिहड़ा ईजीली सर्टिफाइड हो जाता है। तो तुसी आराम दे नाल तहसीलदार तो सर्टिफाई करा सकते हो जेकर तुहाडी खुद की लैंड है, या फिर तुसी ठेके ते लैके वाही करते हो। उस तो बाद जेकर तुहाडी फाइल जदों एम्बैसी विच जाती है तो ऑनलाइन ये चैक भी हो जाता है। सो तो एक गस्टेड ऑफिसर वालों जो मोहर लगी होंगी है तो इसका जोड़ा रुतबा है, या कह सकते हैं कि इस सर्टिफिकेट की जी वैल्यू है वह होर वी है। हूँ इलीजिबल कौन है, इस वास्ते कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? देखो, जेकर तो खुद की जमीन हैगी है तो तुम खुद अप्लाई करो। तुम अपने जमीन के डॉक्यूमेंट्स जोड़े है वह मैं प्रोसैस सारा तुम दस दाँगा, उस प्रोसैस में फॉलो करना है। जेकर तुहाड़ी खुद की जमीन नहीं हैगी, तुसी ठेके ते लैके जमीन वाह रहे हो, तो तुसी ठेके दे प्रूफ लै सकते हो। उहदे विच तुहानू करना की होगा वह भी सारा दसांगा। हुण सब तो पहला जेकर तुहाड़ी खुद की लैंड है, खुद की जमीन है, तो तुहाड़ा फी एकड़ के हिसाब नाल करीब 70,000 जिहड़ी एक एवरेज हुंदी है कि 70,000 इनकम शो की जा सकती है कि तुहाड़ी 70,000 साल की इनकम है एक एकड़ दे विच्चों, एक किले दे विच्चों। जेकर तुसी ठेके दे उत्ते जमीन लई हुई है तो वह 30,000 रुपए पर एकड़ उस तो इनकम शो की जा सकती है, 30 से 35 कर सकते हो तुसी जिहड़ी जेन्युइन की जा सकती है। वैसे तुसी जे फेक बनवाना तो कुछ भी लिख सकते हो, उस तो बाद तहसीलदार अगे भी प्रॉब्लम आएगी, तुहानू सर्टिफाइड नहीं करेगा वह। बट जेकर तुसी जेन्युइन इनफॉर्मेशन देंदे हो तो इन्नी इनफॉर्मेशन देनी पैंदी है। हुण जेकर तुसी 70,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब नाल बनाते हो तो 6 से 7 लाख का घट्टों घट्ट बनाओ, तो 6 से 7 लाख का बनाने तुहानू 10 एकड़ जमीन चाहिए होंगी है। वो नाल ही जेकर तुसी ज़्यादा का बनाना है, तुसी नाल ठेके की जमीन दिखा सकते हो जेकर तुसी ठेके ते जमीन वाहुंदे हो। तो जेकर तुसी तुहाडे कोल जमीन नहीं हैगी, लैंडलेस किसान है, तो वो वाही दी जमीन जिहड़ी है वह ठेके ते दिखा सकता है कि मैं ठेके ते जमीन लई होई है। सो उस जमीन के डॉक्यूमेंट्स तुहानू अपने लैके जाने पैणगे, ते उसका जिहड़ा रेशियो होएगा वह करीब करीब 30,000 से 35,000 रुपए फी एकड़। यानी कि जेकर तुसी 20 एकड़ जमीन शो करोगे तो तुहाडा 6 लाख का
इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा जो इनफ होंगे है। हुण तुसी 20 किले ठेके से जमीन दिखा सकते हो। हुण उस तो बाद तुहानू डॉकूमेंट किहड़े तैयार करने पैंदे। हुण सब तो पहला सारा स्टैप बाय स्टैप दसांगा। डॉकूमेंट्स तुसी सारे कलैक्ट कर लो। डॉकूमेंट तुहानू चाहिए ने, जेकर तुहाडी खुद की लैंड है, खुद की जमीन है, तो तुसी अपनी जमीन दियां फर्दां लैके, जिहड़ियां फर्द कढ़ाई दियां ने कचहरी दे उत्तों, फर्द लैके जाओगे। तो फर्द लैके तुसी अपने पटवारी कोल जाओगे। जब तुसी पटवारी कोल जाते हो तो पटवारी उन्हां फर्दां दे हिसाब दे नाल तुहानू पटवारी जिहड़ा वो तुसी जमाबंदी लैके जाओगे, तो फर्द लैके जाओगे, तो पटवारी जिहड़ा वो तुहाडा रकबा जिहड़ा वो तैयार कर दिंदा है। वो एक डॉकूमेंट तैयार करता है जो लैके तुसी जाना हुंदा है। फर्द ते डॉकूमेंट जिहड़े तैयार करता वो लैके तुसी जाना हुंदा है एप्लीकेशन सेंटर ते, जिथों तुहानू एक एप्लीकेशन मिलेगा। कचहरी दे विच ही हुंदा है, उतो तुहानू एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। वो पूरा एप्लीकेशन तुसी फिल करना है, तो फाइल तैयार कर लैनी अपनी उस डॉकूमेंट के सहारे। तुहाडी जो फाइल रेडी हो जाती है उहदे नाल तुहाडे एफीडेविट वगैरह भी लगते हैं। उस तो बाद की हुंदा है, फिर तुसी लंबरदार ते जिहड़ा भी तुहाडे पिंड का लंबरदार होगा उस तो तुसी सिग्नेचर करवाओगे, यानी सर्टिफाइड करवाओगे कि जिहड़ी मैं इनफॉर्मेशन दे रहा है ये सारी ट्रू है। उस तो बाद जदों सर्टिफाई कर देगा, फिर उस तो बाद तुहानू सुविधा केंद्र जाना होगा। उत्थे तुहानू एक फी पे करनी होगी जो गौरमेंट की है। हुण किन्नी फी है मैनू बिल्कुल सही आइडिया नहीं, पर 50 रुपए तो लैके 200-250 तक ही होएगी, अदों वध नहीं होएगी। वो तुसी फी पे करनी है सेवा केंद्र विच। जदों तुसी फी पे कर दोगे इनकम सर्टिफिकेट की, उस तो बाद तुहाडा डॉकूमेंट बन जाता है। फिर वो फी की रसीद तो डॉकूमेंट जिहड़ा वो लैके तुसी तहसीलदार कोल चले जाना है। तहसीलदार ने वो डॉकूमेंट्स तुहाडा जमा कर लेना है, तो जमा करके एक मोहर लगा देनी है। एक डॉकूमेंट्स तुहानू दे दिता जाता है, उही डॉकूमेंट नू तुसी लैमीनेशन करा लो, तो वो तुहाडा इनकम प्रूफ यानी इनकम सर्टिफिकेट बन गया। इस पूरे प्रोसैस नू तुहाडे एक वीक का समा लग सकता है। सो जदों वीज़ा अप्लाई करना है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुसी जदों आयल्स कर रहे हो, जब तुहाडे बैंड आ जाते हैं, तुसी एक पासे जो फाइल लगाउण चाहुंदे हो उस तो पहले ही तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि इहदे विच थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है। कई बार 10 दिन भी लग जाते होंगे, क्योंकि पिंडा थावां दे विच हर किसी के तरले मारने पैंदे। ये बहुत चंगी तरह मैं जानता है, क्योंकि मैं खुद एक पिंड तो बिलोंग करदा है। सो जदों तुसी इनकम प्रूफ तैयार करना है तो थोड़ा जिहा लंबा समा लैके चलिया करो। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा, तो खास करके जिहड़े किसान भरा ने फार्मिंग नाल जुड़े हुए ने उन्हां वास्ते एक बहुत वड्डी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। होर इस तरह की अपडेट लई बने रहो बाजवा एंड संधू ब्लॉग्स के नाल। सत श्री अकाल।